हेलो दोस्तों, दिवाली आ रही है तो घर पे शक्करपारा, नानकताई जैसे चीज़ें तो ज़रूर ही बनती है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और एकदम खस्ता नानकताई की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि आपके मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगी। और इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, हमारे घर पे ही अवेलेबल होते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बेकरी स्टाइल नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप घी। तो घी इस तरह से थोड़ा सा जमा हुआ होना चाहिए फ्रेंड्स, मेल्टेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस घी में हम डाल देंगे करीबन 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। तो इस जब मैं शक्कर पीस रही थी ना, इसी में मैंने 2 इलायची डाल दी, तो वो भी साथ में पीस ली है। और मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है इसलिए मैं 3/4 कप डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसका बस 2 टेबलस्पून कम भी डाल सकते हैं, वो भी चल जाता है। तो बस अब करना कुछ नहीं है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है फ्रेंड्स। अब आती है बारी हाथों को एक्सरसाइज देने की। तो इसको लगातार ऐसे व्हिप अप करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, जब तक ये थोड़ा सा लाइट फ्लफी नहीं हो जाए और उसका कलर भी बदल जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ज़रूरत लगे तो आप इस वक्त ले सकते हैं हेल्प, अपने बच्चों को या फिर अपने हस्बैंड को काम पे लगा लीजिए और वो आपको ज़रूर मदद करेंगे इसमें, क्योंकि उन्हें भी तो खानी है बढ़िया सी नान खटाई। तो इसको ऐसे लगातार व्हिप करते जाएंगे, ऐसे लगातार मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो अगर आप जल्दी में तो हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगातार ऐसे घुमाते जाएंगे, बस यही एक थोड़ी सी एक्सरसाइज है, और तो कुछ करना है नहीं इस रेसिपी में। आगे आप देखना कितनी आसान हो जाएगी हमारी रेसिपी। तो ये देखिए, इसका जो कलर एकदम हल्का हो गया, एकदम व्हिप क्रीम जैसा हो गया है और एकदम लाइट और फ्लफी हो गया, बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी तक का हमें चाहिए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें, लेकिन उसके पहले हम अपनी कढ़ाई भी प्री हीट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने रखी है नॉर्मल कढ़ाई, इसके ऊपर हम रख देंगे कोई भी स्टैंड या फिर कटोरी। और यहाँ पे मैं जो स्टील की प्लेट हम घर में यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर लगा दिए एल्यूमिनियम फॉइल ताकि चिपके ना। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। इसको बस ढक के प्री हीट होने देंगे मीडियम फ्लेम पर करीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी कढ़ाई में कैसे बनाते हैं और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि ओवन में भी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवन को भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक मोड पर 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, हमारी ये क्रीम का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बाकी की चीज़ें। तो इसके ऊपर मैं ये छन्नी रख रही हूँ क्योंकि हम सारी चीज़ों को अभी छानेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप भरकर मैदा, फिर मैं इसमें थोड़े से टेक्स्चर और टेस्ट के लिए डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बेसन। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ये पूरा नान कताई सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। और साथ ही मैं एकदम बढ़िया से टेक्सचर और क्रंचीनेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सूजी। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो आप टोटल इतना ही पोर्शन का मैदा डाल सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 1 कप मैदा ले सकते हैं और 2 टेबलस्पून बेसन के बदले 2 टेबलस्पून और मैदा ले लीजिए और 2 टेबलस्पून सूजी ज़रूर डालेगा, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर और क्रंच आता है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून या फिर 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा का भी। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी बिल्कुल चुटकी भर नमक। चुटकी भर नमक वो इसलिए क्योंकि कभी जब हम मीठा खाते हैं ना, मीठा खाते खाते बोर नहीं हो जाना चाहिए, मतलब वो मज़ा आते रहना चाहिए मीठा खाने का। तो जब अगर आप हल्का सा नमक डाल देंगे ना कोई भी मीठे में, तो आप उससे बोर नहीं होंगे, आपको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, मिक्सचर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और हमारी नान कताइयाँ अंदर से एकदम सॉफ्ट और एयरी बनेंगी। तो पूरा मिक्सचर मैंने छान लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बस अब कुछ करना ही नहीं है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है अपने हाथों से, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आटा गूंथते हैं। वैसे तो हम आटा गूंथने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा हम जोर भी लगाते हैं, लेकिन इसमें आपको फ्रेंड्स वो भी नहीं करना है, बस इन सारी चीज़ों को आपको करना है इकट्ठा। तो बस इन सारी चीज़ों को ऐसे मिक्स करते जाइए, बस आपस में बंध जाए वैसा हमें चाहिए, एकदम गूंथना नहीं है आटे जैसा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताए ना फ्रेंड्स, वो 100% गारंटी आपके परफेक्ट बेकरी स्टाइल नान कताइयाँ ही बनेगी। वरना अगर नहीं भी बनी ना, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप देखेंगे, देखिए मिक्सचर एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, पूरा अच्छे से बाइंड हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर हमें चाहिए। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई लगता है, कभी किसी का बेसन, कभी किसी का घी, थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती है फ़र्क में। तो उस वक्त आप क्या कीजिए ना, इसमें इसको और अच्छा सा गीला करने के लिए आप इसमें डाल दीजिए कि मतलब इसको बाइंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 1 से 2 टीस्पून और घी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध या फिर पानी का यूज़ नहीं कीजिएगा इसको बांधने में, वरना क्या होगा ना, वो जो नान कताई का बीच का जो टेक्स्चर है ना, अंदर का टेक्स्चर, वो थोड़ी सी कड़क बनती है, वैसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। एकदम सॉफ्ट, मुँह में पिघल जाने वाली नान कताई हमें चाहिए। तो ये देखिए, मिक्सचर एकदम इकट्ठा हो गया है, जितना मैंने घी डाला वो बराबर था और कुछ भी मैंने नहीं यूज़ किया, जो भी जैसे मैंने आपको दिखाया बस उसे मैंने बाइंड कर लिया है। तो ये हमारा सॉफ्ट
एकदम आटे जैसा रेडी हो गया है। तो बस इसके अब क्या करना है, छोटे छोटे पोर्शन लेने। एक्चुअली मैं दो लड्डू बना के देख रही थी बन रहे हैं कि नहीं, बराबर बन रहे हैं, तो मैं आपको एक पोर्शन लेके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको राउंड करेंगे लड्डू, जैसे आप बनाते हैं नॉर्मली बड़ी छोटी, जैसे नान कताई आपको चाहिए आप बना सकते हैं। तो मैं ये मीडियम साइज़ की थोड़ी सी बड़ी बना रही हूँ, क्योंकि ये वाली मैं कढ़ाई में सेकने वाली हूँ। तो इस तरह से इसे राउंड कर लीजिए और फिर अपने हाथों से हल्का से इसे दबा लीजिए और इसको प्लेस कर देंगे हम प्लेट के ऊपर जिसको हमने फॉइल रखा था। और इसको मैंने हल्का सा नीचे ग्रीस कर दिया है बटर के साथ, मतलब घी के साथ, बिल्कुल हल्का सा। और इसी तरह से सारे नान कताइयाँ हम प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चार नान कताइयाँ बना रही हूँ कढ़ाई में, और इसके बीच में जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जगह होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी फूल जाती है तो ये आपस में चिपकने नहीं चाहिए बेक होने के बाद। और इसको हम गार्निश कर देंगे बिल्कुल थोड़े से पिस्ता और बादाम के साथ। लग रही है ना कितनी प्रेजेंटेबल। तो बस ये रेडी है, इसको प्लेस कर देंगे रिंग के ऊपर। इसको कढ़ाई में सावधानी से प्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म हो गई है इस वक्त। तो इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर और इसको ढक के हम पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पर। जितना गैस आप लो रखेंगे ना, नान कताई आपकी उतनी सॉफ्ट बनेंगी और उतनी ही वाइट कलर की बनेंगी, वरना वो जल्दी से डार्क हो जाएंगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको लो फ्लेम पर हम पकाएंगे कढ़ाई में करीबन 20 से 22 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने छोटी छोटी नान कताई बना ली, जिसको मैंने प्लेस कर दिया है बेकिंग ट्रे के ऊपर। उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया था और इसके ऊपर मैंने ये आठ नान कटाइयाँ रख दी है। इसको भी हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से पिस्ता और बादाम के साथ। तो बस ये सारे भी रेडी हो गए, इसको मैं डाल दूंगी ओवन के अंदर। तो इसको ओवन में प्लेस कर दीजिए और इसको हम बेक करेंगे 160 या 170 डिग्री सेल्सियस आप रख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नान कताई है ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होती है, तो 160 170 में भी आप रखेंगे तो अच्छे से पक जाएंगी। और इसे हम बेक करेंगे करीबन 15 से 18 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम नान कताई वैसे भी ये वाली छोटी बनाए। तो चलिए कढ़ाई वाली चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी फूल गई है, देखा आपने, थोड़ी थोड़ी फूल रही है। इस वक्त करीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम थोड़ी देर और पकने देंगे, जब तक ये ऐसे लगे ना कि एकदम पूरी सेट हो गई और हल्का सा कलर ना आ जाए इसके ऊपर। तो ये देखिए, नान कताइयाँ वाली हमारी सेट हो गई है। इसको मैंने पकाया करीबन 22 मिनट के लिए। लेट हटा कर चेक करते हैं, ये देखिए एकदम फ्लैट हो गई है, जैसे कुकीज़ होती है ना, बिल्कुल वैसा ही शेप इनका आ गया है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स नहीं है। भापरे, बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त, और ये ना हल्की सी सॉफ्ट है फ्रेंड्स, तो आप घबराइएगा नहीं, ये एकदम हल्की सी सॉफ्ट रहती है। ये बाद में जब हवा में बाहर ठंडी हो जाएगी ना, तो ये वापस से क्रिस्पी हो जाती है। तो इसको ओवर बेक बिल्कुल मत कीजिएगा ये सोच के कि पकी नहीं है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, एकदम अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है। और अब हमारी ओवन वाली भी चेक कर लेते हैं। टोटल मैंने इसे बेक किया फ्रेंड्स 18 मिनट्स के लिए, ठीक है, 18 मिनट्स के लिए 170 डिग्री पे मैंने बेक किया। ये देखिए एकदम अच्छे से फूल गई है और इसमें ना एकदम प्यारे से क्रैक्स भी आ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बेकरी स्टाइल नान कताई में आते हैं ना। और ना यहाँ पे कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, क्योंकि जो मेरा ओवन है ना फ्रेंड्स पुराना है, तो कहीं कहीं पे उसके हॉट स्पॉट्स है, मतलब कहीं कहीं पे थोड़ा डार्क हो जाती है चीज़ें, तो कहीं कहीं पे ऐसे आ गए हैं ब्राउनिंग, लेकिन चलेगा। बहुत ही प्यारी दिख रही है ये वाली नान कताइयाँ भी, और काफ़ी फूल गई है और इसमें अच्छे खासे क्रैक्स आ गए, जो कि इसकी निशानी है परफेक्ट बेक होने की। तो कढ़ाई वाली ठंडी हो गई है, इसको निकाल देंगे एक प्लेट के ऊपर, और इसी तरीके से ओवन वाली भी इस प्लेट के ऊपर निकाल देंगे। देखिए कितनी मज़े की दिख रही है फ्रेंड्स, कलर से आपको पता चल रहा होगा और आपको देख के ही पता चल रहा होगा इसका टेक्स्चर। अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। ये देखिए, जो मैंने ओवन में बेक की थी ना, उसका कलर बहुत ही प्यारा है, हल्के से क्रैक्स है, और पीछे का कलर भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने कढ़ाई में बेक की थी। देखिए कितना प्यारी दिख रही है, भी एकदम कुकी जैसे लग रही है, पीछे से भी इसका परफेक्ट कलर आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि हमें ये ट्राई नहीं करना है या बाद में ट्राई करेंगे, क्योंकि ये फ्राइड है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लग जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, इस दिवाली में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, और वैसे भी इसको हम बेक ही करने वाले हैं। हमारे मज़ेदार बेकरी स्टाइल नान कताइयाँ रेडी हो गए। रुकिए रुकिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको तोड़ के। तो सबसे पहले मैं आपको कढ़ाई वाली तोड़ के दिखाती हुई थी कि एकदम फटाक से टूट गई और बहुत ही क्रंची लग रही है, एकदम सॉफ्ट, मेरे हाथ में ना पीसेस आ रहे हैं, उसी से देख के आपको पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट है। और इसका अंदर का टेक्स्चर ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
और इसी तरीके से मैं आपको ओवन वाली भी दिखा देती हूँ। जब इसको हम तोड़ेंगे ना, बहुत ही मज़े की बनी है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। इसके अंदर की जो जाली बनी है ना, मतलब ऐसे होल्स बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अंदर हॉलो रहता है ना नान कताई जब हम बेकरी से लाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आया। मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ कैमरा से, काश मैं आपको कैमरा से बाहर निकल के आपको दिखा पाऊँ उसका टेक्सचर और मैं आपको टेस्ट भी करा पाऊँ, बस यही मेरा मन है। तो फ्रेंड्स, ये नान कताई इतने मज़े की लगी कि नेक्स्ट डे मैंने एक और बैच तैयार कर लिया था, जिसको मैंने बनाया था सिर्फ मैदा और सूजी से। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली से ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने फैमिली के लिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया से रेसिपी के साथ। बाय बाय।